अदानी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार से जेपीसी बनाने की लगातार मांग कर रही है। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदानी और मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल कर रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस मुद्दे को 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ बनाने की कवायद कर रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 20 अप्रैल को मुंबई में गौतम अदानी से अपने घर पर 2 घंटे मुलाकात की। वैसे तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ हफ्ते पहले भी एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए अदानी का बचाव किया था। कांग्रेस की जेपीसी बनाने की मांग से अलग पवार ने अदानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच कराने की वकालत की थी। पवार ने अदानी के खिलाफ रिपोर्ट बनाने वाली हिंडनबर्ग को ही सीरियसली ना लेने की बात कही थी। यहाँ तक कि पवार ने अदानी की तुलना टाटा बिरला से कर उनकी देश के विकास में भूमिका तक बता दी थी, जिसके बाद विपक्ष में शरद पवार के बयान पर खूब हल्ला हुआ। बैकफुट पर आए शरद पवार को ये तक कहना पड़ा था कि विपक्षी एकता की खातिर जेपीसी पर आपत्ति नहीं जताएंगे और अदानी को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद शरद पवार फिर से पलट गए। बताया जा रहा है कि शरद पवार के साउथ मुंबई के सिल्वर ओक आवास पर गौतम अदानी पहुंचे। दोनों की मुलाकात 2 घंटे चली। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों की मुलाकात का प्रयोजन क्या था। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या इसके पीछे कोई और वजह भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। 2 दिनों तक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर चुप्पी साधे रखी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं हलफनामा लिखकर दे सकता हूं कि एनसीपी में ही रहूंगा। इससे पहले तक शरद पवार ने कांग्रेस की अदानी मुद्दे की हवा निकाल दी थी और इस मुलाकात के बाद विपक्ष फिर एक साथ मजबूती के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। दरअसल एक तरफ तो कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बिहार सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी इस कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस की दशकों पुरानी साथी एनसीपी उनका साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की आशंका दिख रही है। अब इस मुलाकात को लेकर विपक्ष से लेकर बीजेपी तक के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है, तो उनकी ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पवार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा कि अदानी हमाम में तो सारे ही नंगे हैं। मैं आशा करती हूं कि वो अपने पुराने रिश्ते के ऊपर लोगों की भलाई रखेंगे। मेरा ट्वीट विपक्ष के खिलाफ नहीं है, जनता के हित में है। महुआ ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अदानी ने मेरे साथ ही कई और नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमसे मुलाकात करने का दरवाजा तक नहीं मिला। मुलाकात तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि जब तक सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती है तब तक किसी भी राजनेता को अदानी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गौतम अडानी और शरद पवार के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि जो बैठक हुई उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। उन दोनों की बैठक को राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि शरद पवार और गौतम अडानी की मित्रता बहुत पुरानी है। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए और ये जग जाहिर है कि उन दोनों की मैत्री है। इस मुलाकात से बैकफुट पर आई कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हुसैन दलवई ने कहा है कि शरद पवार की अदानी के साथ मीटिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके अदानी के साथ पहले भी संबंध रहे हैं। पवार साहब ने कभी भी नहीं कहा कि अदानी के खिलाफ जेपीसी गलत है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में सत्ता दल की भागीदारी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी विपक्ष जेपीसी की मांग करेगा तो वो विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इन दोनों की मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।